भाई सीरियल अनुपमा में एक काव्या कम थी कि अब एक जूनियर काव्या बनकर तैयार होने की कागार पे है। हम बात कर रहे हैं पाखी की। जी हाँ, अनुपमा की बेटी काव्या फॉर सम रीजन अपनी सौतेली माँ के नक्शे कदम पर चलने पर उतारू है। वो क्या है ना कि काव्या इतनी ब्रेन वॉशिंग कर रही है इनकी कि एकदम मिनिएचर काव्या बनती जा रही है ये। एक बार फिर से सारा खाना फेंक दीजिए। पाखी के तेवर देख के भाई उसे तो कहना पड़ेगा कि कहीं ये छोटी काव्या तो नहीं बन रही है। एक बार जो काव्या की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी, आज देखिए फिर से काव्या जैसा जैसा कह रही है वो वैसा ही कर रही है। अपनी माँ अनुपमा के साथ उसके बात करने का लहजा तो देखिए। बेस्टी की संगत का असर है, मतलब बेस्टी भी उस वे में नहीं ले रही है, बट कुछ ना कुछ वो बच्चों को थोड़ा भी बढ़ावा दो तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा में पहुंच जाते हैं ना। पाखी के साथ भी वही हो रहा है। सारा खाना फेंक दीजिए। कितनी अकल तो है ना तुझ में बेटी, कितनी मुश्किल से कमाया जाता है। अनुपमा जो खाने की इम्पोर्टेंस समझती है, एक दाना भी चावल का वो खराब नहीं होने देती, तो इधर 7,000 रुपए का मंगाया हुआ खाना भला बर्बाद कैसे कर सकते हैं, वो भी जब खाना वनराज के कैफे से आया हो। तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। इतनी मेहनत से कैफे शुरू किया, पहला ऑर्डर आया 7,000 रुपए का, लेकिन भाई पैसा मिला नहीं इस ऑर्डर का, जिसकी वजह ये थी कि ये ऑर्डर कहीं और से नहीं बल्कि वनराज के घर से ही आया था। और ये सलाह पाखी को किसी और ने नहीं बल्कि काव्या ने दी थी। हाँ, ऐसा मुझे लगा है कि मतलब हम लोग को लग रहा था कि हमारी बहुत बड़ी कमाई होने वाली है, पहला बड़ा ऑर्डर आने वाला है और आया भी है, पर वो ऑर्डर जहाँ से आता है वो जब हमको पता चलता है तो बहुत बड़ा शॉक लगता है। हालांकि अभी इन लोगों को नहीं पता चला है कि कहाँ से ऑर्डर आया, जिसके बाद बहुत मुझे डांट भी पड़ती है। खाना तो आया आया तो आया, लेकिन हम सब ने मिल के उस पूरे खाने में से थोड़ा 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 सब कुछ टेस्ट किया है और बाकी बहुत सारा बच गया है। तो मम्मी फिर बहुत डांटती है। काव्या का ऐसे जेन्युइनली तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, बाकी के साथ अटैचमेंट ज़रूर है, वो लोगों का मन जीतना चाहती है ये बिना सोचे समझे कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे। अब अनुपमा भी जानती है इस सबक कैसे सिखाया जाता है। हिपाखी की उसने क्लास ली, अभी भले ही हिपाखी को अनुपमा की बात समझ नहीं आ रही हो, लेकिन वो समझेगी, बहुत जल्दी समझेगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।